हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टैरो एंड ओरेकल स्पेस में। जब भी टू ऑफ कप्स गाइडेंस या एडवाइस के लिए आएगा तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सबसे पहले देखो, फॉर जनरल एडवाइस के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो या फिर जो भी सिचुएशन में आप फंसे हो ना, उसमें अगर आप प्यार से करोगे, मिलजुल के काम करोगे ना, तो वो चीज़ आपका काम बनेगा। ठीक है, उसमें आपको जल्द ही सक्सेस मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो, अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, उसमें अगर आप मिलजुल कर सबके साथ रहोगे ना, तो वो चीज़, वो जो काम है ना, जल्दी ही पूरा होगा। अगर कोई सिचुएशन में फंसे हो ना, तो अगर आप वो सिचुएशन को ना प्यार से हैंडल करोगे ना, तो वो आराम से हैंडल हो जाएगा और सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो, ये जो टू ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये इमोशनल सपोर्ट का कार्ड है। तो मतलब जहाँ भी जो भी सिचुएशन है ना, उसमें अगर आप प्यार से हैंडल करोगे, इमोशनली लोगों को सपोर्ट दोगे ना, तो उसमें आपको ना मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आपका काम बनते बनते जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब भी टू ऑफ कप्स लव लाइफ के रीडिंग में आएगा तो हम लोग क्या गाइडेंस देंगे, कैसे एडवाइस करेंगे? सबसे पहले देखो, अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि एक दूसरे को ना सपोर्ट करो, समझो, इमोशनली सपोर्ट करो। तो क्या होगा, आप दोनों के बीच में ना लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा और आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है ना, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं चल रहा है, नॉर्मली सब कुछ रिलेशनशिप में चल रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, आप दोनों को ना एक दूसरे के साथ मतलब देखो लॉयल रहना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लॉयल रहोगे, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करोगे ना, उतना ही आप दोनों का रिलेशनशिप स्मूथली चलता चलता जाएगा। मतलब ओवरऑल ऐसा समझ लो, ये कार्ड जब भी आएगा, क्लाइंट को आपको ये एडवाइस देना पड़ेगा कि इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और लॉयल रहना पड़ेगा, और एक दूसरे से ना कुछ भी छुपाना नहीं है। ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब आप एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रहोगे ना, उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब देखो, जब भी कार्ड करियर के रीडिंग में आएगा तो हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सबसे पहला पॉइंट ये समझ लो कि अगर कोई इंसान बिजनेस के लिए पूछ रहा है ना, तो आप उनको बोल सकते हो कि पार्टनरशिप में जॉब करो, मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस करो, कोलैबोरेशन में बिजनेस करोगे ना, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर बंदा जॉब कर रहा है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि टीम वर्क में काम करो, म्यूचुअल सपोर्ट में काम करोगे ना, तो आपका काम बनेगा। अगर आप अकेले ही ऐसा सोचोगे कि मैं, हाँ मैं अकेले ही काम कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, खुद ही अचीव कर लूँगा, तो ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, आपको मिलजुल कर ना लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो अकेले कुछ भी चीज़ आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो जो भी कर रहे हो ना, मिलजुल के करो। ठीक है, कोलैबोरेशन के साथ करो, पार्टनरशिप के साथ करो, टीम वर्क के साथ करो, तभी जाकर ना आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, अगर ये कार्ड रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।